हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता प्राण का पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकन था। प्राण ने अपने रोल के जरिए फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई थी, लेकिन आगे चलकर उन्हें काफी संघर्ष भी करना पड़ा था। कम लोगों को पता होगा कि प्राण अपने मेकअप गेटअप पर बहुत काम किया करते थे। इसके लिए बकायदा अपने घर में आर्टिस्ट रखते थे। आर्टिस्ट पहले प्राण के स्केच बनाता था और फिर मेकअप मैन उस पर काम करते थे। प्राण सिर्फ अपने गेटअप ही नहीं बल्कि उच्चारण को लेकर भी हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। शायद यही मेहनत उन्हें दूसरे एक्टर से अलग करती थी। अपनी खलनायकी के दौर को याद करते हुए प्राण ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उपकार से पहले सड़क पर मुझे देखकर लोग अरे बदमाश, ओ लफंगे, गुंडे कहा करते थे और मुझे शक की निगाहों से देखा करते थे। जब मैं पर्दे पर आता था तो बच्चे अपनी माँ की गोद में दुबक कर आंचल में मुंह छुपा लेते थे। प्राण फोटोग्राफर बनना चाहते थे। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो दिल्ली के एक फोटो स्टूडियो में काम किया करते थे। कहते हैं कि प्राण को सिगरेट पीने की लत थी। वो एक बार शिमला गए हुए थे और पान की दुकान पर खड़े होकर सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे थे। उसी समय पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के राइटर मोहम्मद वलीन की नजर उन पर पड़ी। प्राण का स्टाइल इतना पसंद आया कि अपनी फिल्म यमला जट में काम करने का ऑफर दे डाला। इसके बाद कई पंजाबी और हिंदी फिल्मों के ऑफर प्राण को मिलने लगे। प्राण को साल 1942 में हिंदी सिनेमा का पहला ब्रेक फिल्म खानदान से मिला। हिंदी और पंजाबी फिल्मों में काम करने के बाद देश विभाजन के बाद प्राण लोहार से अपनी पत्नी और एक साल के बेटे को लेकर 1947 में मुंबई पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परिवार के साथ प्राण ताज होटल में ठहरे, लेकिन काम नहीं होने की वजह से पैसों की दिक्कत होने लगी और वो छोटे होटल में शिफ्ट हो गए। प्राण ने 8 महीनों तक एक छोटे होटल में काम किया, फिर देव आनंद की फिल्म जिद्दी में काम मिला और इसके बाद प्राण ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्राण ने अपने पिता के नाराज होने की डर से फिल्मों में काम करने के बारे में नहीं बताया था। एक बार न्यूज़पेपर में उनका एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ तो प्राण ने अपनी बहन से कहा कि वो अखबार छिपा ले, लेकिन तब तक पिता देख चुके थे। पता लगने के बावजूद भी उनके पिता नाराज नहीं हुए। प्राण ने न सिर्फ विलेन ही नहीं बल्कि सपोर्टिंग कैरेक्टर भी प्ले किए। प्राण अपने समय के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर रहे हैं।